फ्री फायर डालू कॉल ऑफ ड्यूटी और मोबाइल बैटल ग्राउंड प्ले स्टोर पे अगर मैं डालू फ्री फायर और सब कुछ ठीक है ना ब्रो? तू इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिख रहा है? फ्रस्ट्रेटेड तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ बहुत सही चल रहा हो, लाइक सब कुछ सही, कुछ इश्यूज नहीं है, और अचानक से सब बिखर गया? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पता है क्यों? पहले तो आप ग्राइंड करते हो, हम गेमर्स के लिए ना जब भी हम नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड स्पेशली जब आप एक प्रोफेशन में हो और आप नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप ग्राइंड करते हो, करेक्ट? हमें यही सिखाया जाता है कि हम ग्राइंड करें, ग्राइंड करके आप आगे आए। हम यही हमारे ऑडियंस को यही बोलते हैं ना यार, जब हम स्ट्रीम करते हैं हम ऑडियंस को यही बोलते हैं ना, बट नाम बना लो, ग्राइंड करके गेम खेलो इतना टाइम, उसके ऊपर इतना एनालाइज करो, सब कुछ करो, अचानक से गेम बैन। अब सोच क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अटक सी गई है, रुक सी गई है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बात करना चाहता हूं लोगों से यार, आके एटलीस्ट मैं अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बट वो भी नहीं कर पा रहा हूं सही से। पता नहीं यार क्या हो गया मुझे। ब्रो तू पागल हो गया क्या? क्या बातें कर रहे हैं? हमें और भी बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती हैं कि टू नेवर गिव अप, ये वाली चीज तू कैसे भूल गया यार? मतलब एक गेम अगर है नहीं है उसके ऊपर तो इतना डिपेंडेंसी हो जाएगा कि तू सब कुछ भूल जाएगा कि किस लिए तूने ये चीज शुरू किया था। तू इससे प्यार करता है, राइट? करेक्ट, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तू इससे प्यार करता है तो आगे बढ़ना चाहिए यार, आगे कैसे बढ़ेगा तू अगर यहीं पे अटक जाएगा? तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, चल कर, जिंदगी में हमेशा सब कुछ समझ में आएगा ये जरूरी नहीं है, एंड आज भी तुझे सब कुछ समझ आए ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑफकोर्स मैं तेरे को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, और दैट इज की हंस के लड़, जो भी कर रहा है हंस के कर, मुझे पता है तू कर लेगा। और रही बात गेम की, गेम कोई भी हो सकता है, आज फ्री फायर हुआ है, पिछले साल पबजी के साथ हुआ था, एनीथिंग कैन हैपन। आज के टाइम पे कुछ स्टेबल नहीं है, बट एक चीज स्टेबल है, वह है तू, तेरा टैलेंट। तू अपने टैलेंट के बलबूते पे आज यहाँ पे पहुंचा था ना, तो आगे भी बढ़ेगा अपने टैलेंट के बलबूते पे, सो डोंट वरी ब्रो, चिल कर। हे गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत कुछ समझ आया होगा। आई नो कि ये वीडियो बहुत सीरियस नोट पे था, एंड मैंने बहुत कुछ चीज़ें कोशिश की इस वीडियो के थ्रू पोर्ट्रे करने की कि अभी जो फ्री फायर कम्युनिटी में सिचुएशन हुआ पड़ा है, हमारे हाथ में तो बहुत कुछ नहीं होता है, एंड हमारे पास एक ही चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, दैट इज़ आर टैलेंट। एंड आप लोग इज द बेस्ट पार्ट जो हमारे साथ, मेरे साथ एक्चुअली हुआ है कि आप लोग मेरे जर्नी में एक पार्ट बने हैं, एंड साथ बने, एक फैमिली की तरह बन गए हैं। एंड मैंने कहा था आप लोगों को कि आगे मैं कंटेंट तो ज़रूर लाऊंगा, क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, एंड ऐसे प्लेज बनाने की कोशिश करूंगा। छोटा सा ट्राई था मेरे तरफ से, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो डू ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। तब तक के लिए गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले कोई वीडियो या फिर अगले कोई प्ले के साथ।